अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उस्मान अली है, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेक फाइनेंस। तो दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने लगे हैं रियलमी सी टू की। इसकी जो प्राइस है 21,000 पे रखे गए हैं। क्या ये 21,000 पे में ये फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं चाहिए, आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा और इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा, बताऊंगा इसकी लुक कैसी है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ लग जाएगी अगर आप ये फ़ोन बाय करना चाह रहे हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास मौजूद है रियलमी सी टू, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। दूसरे साइड पे आपको रियलमी सी टू देखने को मिलता है, बैक साइड पे आपको 3 GB रैम, 32 GB बिल्ट इन मेमोरी और इसका मॉडल नंबर देखने को मिलता है। हम बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। बॉक्स ओपन करते हैं, सामने आपको एक मिनी बॉक्स देखने को मिलता है येलो कलर का, हम इसको भी ओपन कर लेते हैं जी। यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्टर टूल जिसकी मदद से आप सिम को बाहर निकाल सकते हैं, और बॉक्स के अंदर आपको 2 वारंटी कार्ड देखने को मिलते हैं, इसमें से एक यूज़र गाइड मैनुअल बुक है। और हम आते हैं अपने फ़ोन की तरफ, यह प्लास्टिक कोटिंग से रैप हुआ पड़ा है। हम फ़ोन को एक साइड रखते हैं, इसके डिटेल फीचर की बात हम बाद में करते हैं, पहले देखते हैं फ़ोन के अंदर और क्या आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको आउटपुट 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर का एक चार्जर देखने को मिलता है। देखा जाए तो इस फ़ोन में चार्जर काफ़ी अच्छा दिया गया है, 2 एम्पीयर का चार्जर के आपके फ़ोन को जल्दी चार्ज करेगा। यहाँ पर आपको एक डाटा केबल मिलती है, नॉर्मल क्वालिटी में ये डाटा केबल है, बहरहाल इसकी लेंथ है वो काफ़ी लंबी है। USB 2 माइक्रो USB डाटा केबल देखने को मिलती है। दोस्तों इसमें सी टाइप नहीं दी गई, बहरहाल ये बजट फ़ोन है, इसमें सी टाइप की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसमें इस तरह कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी फ़िज़िकल लुक की। दोस्तों इसकी बैक पे आपको 2 कैमरे देखने को मिलते हैं, एक कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और एक कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, साथ में LED लाइट मिलती है। दोस्तों फ्रंट पे आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी फिज़िकल लुक की। बैक पे आपको इसके डायमंड से कट्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप बैक पर देख सकते हैं इस पर डायमंड कट्स देखने को मिलते हैं। इसकी बैक जो है कि प्लास्टिक की देगी है, बहरहाल इसकी फील मेटल टाइप आती है। इसकी बैक का ये फ़ायदा है कि इसके बैक पे स्क्रैच नहीं लगेंगे, स्क्रैच बहुत ही कम लगेंगे, आप इस फ़ोन को बगैर पाउच के भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रियलमी के सिग्नेचर देखने को मिलते हैं। मोबाइल के नीचे वाली साइड पे आपको स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट, माइक एंड हैंड फ्री पोर्ट देखने को मिलती है। एक साइड पे आपको यहाँ पर पावर बटन देखने को मिलता है, जिसे आप अपने फ़ोन को ऑन कर सकते हैं। ऊपर आपको किसी भी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। दूसरी साइड पर आपको वॉल्यूम अप, वॉल्यूम बटन डाउन एंड सिम ट्रे देखने को मिलती है। इसको बाहर निकालते हैं दोस्तों, इसके अंदर आप एट अ टाइम 2 सिम में और मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ये नैनो सिम में सपोर्ट करता है और माइक्रो SD कार्ड भी ये फ़ोन सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं 21,500 के अंदर ये फ़ोन हमें फ़ायदा देता है या नहीं देता। हम इस पे 21,500 रुपये अपना लगा रहे हैं, इसमें हमें क्या क्या फ़ीचर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको इसमें डिस्प्ले मिलता है 6.1 इंच का डिस्प्ले, 720 इसकी डिस्प्ले की रिजोल्यूशन मिलती है, 282 PPI डेंसिटी। दोस्तों इसके फ्रंट ग्लास पर जो इसका फ्रंट वाला लुक है उस पर गोरिल्ला ग्लास 3 देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन बार नीचे करते हैं, यहाँ पे आपको वाईफाई, इंटरनेट, म्यूट, टॉर्च लाइट, आई प्रोटेक्शन, नाइट मोड, कुछ इस तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इसमें एंड्रॉयड 9.0 Pie देखने को मिलता है, इसमें ColorOS वर्जन 6 देखने को मिलता है जो कि लाइट है। इसमें जो चिपसेट है MediaTek 6762 मिलती है, CPU इसमें ऑक्टाकोर मिलता है 2.0 GHz का। दोस्तों इसकी 32 GB बिल्ट इन मेमोरी है, वह जो यूज़ होके हमें पीछे 21.9 अवेलेबल देखने को मिलती है। आप इसमें एट ए टाइम 2 सिमें लगा सकते हैं, साथ मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, 256 GB तक का ये मेमोरी कार्ड भी सपोर्ट करता है। कैमरा इसका 13 मेगापिक्सल 2.2 अपर्चर और एक कैमरा 2 मेगापिक्सल 2.4 अपर्चर। बैक पे आपको 2 कैमरे देखने को मिलते हैं 10 सेंसर के साथ। LED लाइट भी मिलती है, पैरानोमा HDR, बैक से 1080 ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। दोस्तों फ्रंट कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल मिलता है 2.0 अपर्चर के साथ, फ्रंट कैमरा जो कि इतना खास इतना मज़े का नहीं देखने को मिलता। बहरहाल दोस्तों इसमें जो चिपसेट लगी हुई है वो भी इतनी मज़े की नहीं है, MediaTek की लगी हुई है, स्नैपड्रैगन होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। लाउड स्पीकर मौजूद है, 3.5 mm जैक भी मौजूद है, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, रेडियो, USB सपोर्ट करता है, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी कंपास इसमें सेंसर मिलते हैं। बैटरी इसकी 4000 mAh दी गई है, बैटरी के लिए ऐसे ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है।
ये अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हैं ये 1 से 2 दिन आपका इजीली निकाल लेगा, 4000 mAh बैटरी और साथ में 2 एम्पीयर का चार्ज मिलता है जो इसको जल्दी से चार्ज कर लेगा। इसमें कलर ब्लैक भी आ रहा है और ब्लू भी आ रहा है। बैक इसकी डायमंड से कट्स की देखने को मिलती है। इसका मॉडल नंबर है RMX1941। 221,500 में ये फ़ोन अगर आप बाय करेंगे तो अगर आपको बैटरी चाहिए उस लिहाज से भी बेस्ट है, और आपको मेमोरी चाहिए ये उस लिहाज से बेस्ट है। और चिपसेट इसमें मीडियाटेक है, अच्छी तो नहीं कह सकते, बहरहाल है अच्छी, नॉर्मल यानी कि नॉर्मल यूज़ में आपके लिए बेस्ट है ये। 21,500 में ये फ़ोन अच्छा दिया गया, आप इसे बाय कर सकते हैं। और आप मुझे बताएं इसका मैं कंपैरिजन किस फ़ोन के साथ करूं, कमेंट्स में मुझे लाजमी ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।